देख रहे हैं भारत अफसान न्यूज और मैं हूं आपके साथ गौरी। आइए शुरुआत करते हैं देश भर की सभी छोटी बड़ी खबरों के साथ। अनूपशहर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने स्वर्गीय पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न राजीव गांधी की जयंती पर अनूपशहर नगर में बबलू कुरैशी के आवास पर उन्हें श्रद्धांजलि आयोजित कर याद किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता नगर अध्यक्ष सलाम खां व संचालन ज्ञानी सिंह राघव ने किया। फूल मालाओं व पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी गई। वक्ताओं ने उनके जीवन परिचय पर प्रकाश डालते हुए उनके द्वारा भारत को आधुनिक बनाने व MTNL की स्थापना कर संचार क्रांति लाने, कंप्यूटर युग लाने, पंचायती राज व्यवस्था को सशक्त करने, युवाओं को लोकतंत्र में अधिक भागीदारी दिलाने को 21 वर्ष से वोट डालने की उम्र 18 वर्ष करने सहित हिंदुओं को भी राम मंदिर के ताला खुलवाकर पूजा शुरू करवाने, नवोदय विद्यालय की स्थापना कर शिक्षा प्रणाली को मजबूत करने जैसे महत्वपूर्ण कार्य के साथ साथ भारत को एकता, अखंडता व भारत की 21वीं सदी को सशक्त बनाने में स्वर्गीय पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी अहम योगदान बताया। भारत रत्न भारत के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी जी की 78वीं जयंती पर विधानसभा क्षेत्र अनूपशहर के नगर अनूपशहर में श्रद्धांजलि सभा के आयोजन के कार्यक्रम के अध्यक्ष हमारे चाचा सलाम का यहाँ उपस्थित कांग्रेस के कार्यकर्तागण जो वर्षों पहले अपनी शहादत देकर कांग्रेस पार्टी के चाहे पंडित नेहरू रहे हो चाहे वक्ताओं ने वर्तमान की देश व प्रदेश की सरकार पर भी स्वर्गीय राजीव गांधी अन्य महापुरुषों के सिद्धांतों से उलट चलकर चलने वाला बताते हुए देश में महंगाई, बेरोजगारी तथा चीन घुसपैठ जैसी घटनाओं का जिक्र करते हुए वर्तमान की सरकार पर झूठ बोलने तथा जुमलाबाजी करने का आरोप लगाया। श्रद्धांजलि सभा में भूरा नंबरदार रविंद्र प्रधान, दीपक कुशवाहा, नवीन राघव, दुष्यंत राघव, बादल राघव, इमरान सानम, तोहिद, आफताब आतिफ, जीशान कुरैशी, शुरूर रजा, मोबिन भाई, इमरान कुरैशी आदि मौजूद रहे। इस खबर के प्रायोजक हैं सलीम बेंगल स्टोर। हमारे यहाँ हर प्रकार की चूड़ियाँ, कंगन, दुल्हन चूड़ा थोक और रिटेल में उपलब्ध हैं। हमारा पता है काली नदी रोड, फूलवाली गली, फैसलाबाद, बुलंदशहर।